अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे घर पे एक फंक्शन था, बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद एकदम से इन्हें वॉमिटिंग आने लग गई है। मुझे लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है इन्हें। आप प्लीज किसी भी डॉक्टर नर्स जो भी हॉस्पिटल में, उन्हें जल्द से जल्द बुलाइए प्लीज। सॉरी पर सारे डॉक्टर्स और नर्सेस स्ट्राइक पे गए हुए हैं, आज यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अरे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे इसका क्या मतलब है? क्या हम बच्चों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे? डॉक्टर्स को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। क्या मरीजों को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या वो? आप प्लीज बुलाइए, मुझे नहीं पता, फोन करिए, कैसे भी बुलाइए उन्हें। आई एम सो सॉरी पर आज यहाँ पूरे चंडीगढ़ में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल नहीं है? बुलाइए उन्हें। तेज तेज एक मिनट, इनके ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी हमको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम इन बच्चों की जान बचा सके बेटा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितने प्यास से इन बच्चों को हमने अनाथ आश्रम से बुलाया था कि हमारी बीजी का जन्मदिन है, इन बच्चों की सेवा करेंगे तो हमारी बीजी को दुआएं लगेगी, लेकिन लेकिन यह सब क्या हो गया? मैडम जी, मुझे डॉक्टर जी का पता मिल सकता है? प्लीज दे दीजिए, मैं खुद जाऊंगी उनके पास हाथ जोड़ूंगी, विनती करूंगी, इन मासूम बच्चों की जानों का सवाल है, प्लीज मैडम जी उनका पता दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको डॉक्टर खुराना का एड्रेस देती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो प्लीज। जल्दी जल्दी आना। भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए जल्दी जाओ। माता रानी मेहर करो, अगर इन अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ हो गया तो ये लोग हम पर केस करेंगे और हमारा पूरा परिवार जिंदगी भर जेल में रहेगा। नहीं माता रानी, कोई रास्ता निकालो प्लीज प्लीज। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ जब दवा काम नहीं करती है ना, तो माता रानी की दुआ काम करती है। और हम सब जानते हैं ना माँ कि माता रानी की ममता अपरंपार है और हम सब पर खूब मेहर है उनकी। वो इन मासूम बच्चों के साथ ना कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी, भरोसा है मुझे। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे इस शुभचिंतक पर मुझे इतना भरोसा तो है कि आज माता रानी भी दीदी को जेल जाने से नहीं रोक पाएंगी। बस डॉक्टर जल्दी आ जाए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आंटी जी, आंटी जी, खाने में क्या मिलाया था? तेरा ही काम है ना ये? नहीं 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 नहीं, नहीं आंटी जी, दुनिया का हर गलत काम मैं नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगा ये आपकी कोई चाल है। मेरी बहन को अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं अपने परिवार की इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगी, और अगर इन बच्चों में से किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो समझ ले ये चाकू जो अभी इस तरफ है सीधा उस तरफ होगा। एक बार ये बच्चे ठीक हो जाए फिर मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे किसका हाथ, और अगर मुझे पता चला इसमें तेरा हाथ है, कल अपने भगवान से प्रार्थना शुरू करते, क्योंकि इस बार मेरा भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाया। ट्रैफिक जाम क्यों है इस टाइम पे? दीपक देख जल्दी यार कुछ। भाई रिलैक्स, मैं देखता हूँ। हेलो, हेलो हेलो सर जी, डॉक्टर जी से बात हुई आपकी? नहीं दालचीनी, मैं अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं पहुंचा ही नहीं हूँ वहाँ पर। हाँ यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम है,
मैं जैसे ही ये क्लियर होता है डॉक्टर को लेकर आता हूँ। प्लीज तुम बच्चों का ध्यान रखना प्लीज। क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई बात ही नहीं हो पाई आपकी अभी तक। दीपक जल्दी। हे माता रानी, डॉक्टर जी के आने तक बच्चों का क्या होगा? विन्नी, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो परमजी बाहर जाकर देखो ना, मीडिया वाले तो नहीं आए ना? रास रानी, तू टेंशन मत ले, अभी 5 मिनट पहले मैं बाहर जाकर देख आया हूँ, कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई मीडिया वाला नहीं है। पक्का? हाँ। पर घर जाइए, डर भी तो लाजमी है ना भाई साहब। अगर इन मासूम बच्चों को कुछ भी हो गया ना तो अनाथ आश्रम वाले पता नहीं हमारा क्या करेंगे। विम्मी, दालचीनी ने कहा है ना कि वो बच्चियों को कुछ नहीं होने देगी, बस माता रानी पे भरोसा रखो बस। माता रानी रक्षा कीजिए बच्चों की। क्या करिए दालचीनी? अभी पता चल जाएगा चाची। दालचीनी, इससे और उल्टियां भर रही है, क्या पिला रही है तू? नहीं चाची, ये उल्टियां बढ़ नहीं रही है, ये इसके पेट में जो भी खराब सा खाना होगा ना, जो भी बिगड़ा होगा इसका पेट, वो सब जहर ना बाहर निकल जाएगा इससे। कि मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मैम, लेकिन आप अपनी देसी नुस्खे ऐसे हॉस्पिटल में यूज नहीं कर सकती हैं। अरे तो क्या आप क्या चाहती हैं कि मैं ऐसे बच्चों को इस हालत में छोड़ दूं? नहीं ना, आप हटिए यहाँ से। मैम, ये छोड़िए, आप ये नहीं कर सकती हैं, हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। नहीं नहीं, जौनपुर व्यापार मंडल के समस्त माननीय सदस्यों को हमारा सादर प्रणाम। बदलाव बेहतर है, देर से आता है, आने में बहुत समय लगाता है, तो आइए माँ सरस्वती को अपनी श्रद्धा से भोग चढ़ाते हैं। पंडित जी, शुरू कीजिए। अरे, इसमें तो कॉकरोच है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। जितने भी हाथ पैर मार लो, आज इनमें से एक भी बच्चा नहीं बचने वाला, और फिर परिवार वालों की इतनी बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी, यही घर वाले खुद दीदी को घसीटते हुए सराखों के पीछे छोड़कर आएंगे, और फिर तेज भी मेरा और ये घर भी। देखो, अब तो हम पार्टनर्स हैं, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन? नाम में क्या रखा है? लेकिन अगर दालचीनी ने आज फिर उन बच्चों को बचा लिया तो तुम उस घर में फिर से गुमनाम औरत बन के रह जाओगे। नजर रखो उस पे। मेरे यहाँ होते हुए कैसे बचा लेगी वो किसी को भी? आज तक तुम्हारे होते हुए उसने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया, नजर रखो। हेमा, ये कन्याएं भी तो आप ही का रूप है ना, अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो मुझे यही लगेगा कि आपके लिए मेरे दिल में जो भक्ति है ना वो हार गई। मेरी भक्ति को हारने मत देना माँ। माँ, आप बस मुझे एक इशारा दो, एक, ताकि मैं इन सारे बच्चों को ना बचा सकूं। Oh, come on,
मुझे ये रास्ता बताने के लिए बहुत 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 धन्यवाद माता रानी। काश आप ही की तरह सारे लोग अपने काम में ना होनहारी दिखाए। थैंक यू। दीदी आप कहाँ जा रही है ये? नहीं, आज कुछ भी हो जाए ये तो बच्चों को नहीं बचाएगी। अब ये पानी की टंकी ही बच्चों के जान बचाने की काम आएगी। क्या? दीदी आप कहाँ जा रही है? हट जा। दीदी, अरे आप कहाँ भागकर जा रही है? दीदी, ये जो भी करने जा रही है इसे रोकने के लिए कुछ तो अतरंग ही करना पड़ेगा मुझे। यही नमक आज बच्चों के लिए जीवन रक्षक बनेगा। जितनी भी कोशिश कर लेती थी लेकिन आज तो बच्चों को नहीं बचा पाएगी। लेकिन ये जो भी कर रही है मेरे शुभचिंतक तक ये खबर तो पहुंचा ही देनी चाहिए। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद ना बनाए रखना, मुझे कुछ भी करके उन बच्चों की जान बचानी है।
दालचीनी, ये क्या कर रही है तू दालचीनी? मैडम ये आप क्या कर रही है, प्लीज नीचे उतरिए वरना मुझे अभी सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। कोई ना कोई पैंतरा लगाकर ये हमेशा बच कैसे जाती है? बैंगन देखकर ना मुंह मत बना लेना, आपके लिए खास भरे हुए बैंगन बनाए मैंने। एक सेकंड दालचीनी रुको, आज यहाँ नहीं खाऊंगा। एक्चुअली पता नहीं आज ऑफिस में इतनी सारी मक्खियाँ क्यों हो गई हैं। अरे आप रुकिए, मेरे होते हुए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेरे पास इसका भी इलाज है। अच्छा रुकिए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे इसे मक्खियाँ नहीं आएंगी, मैं जानती हूँ। हाँ इसे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी, बट ऑफिस में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। सुनो बारिश कैसे होने लग गई यहाँ पर? दिल में आग जो लगा दी तुमने, फायर अलार्म तो बचना ही था, बारिश भी होनी थी। माता रानी मेरा लाख लाख शुक्र है, बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। बच्चों सब ठीक हो ना? मेरी तो जान ही निकल दी जा रही, अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो अनाथ आश्रम वालों को क्या वो दिखाते हम? हमारे पूरे परिवार को जेल जाना पड़ता। जेल तो अभी जाना पड़ेगा ढिल्लों साहब। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मतलब पापा क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अरेस्ट करो इनके। अरे अरेस्ट करो, मतलब क्या कर रहे हैं आप? फैक्ट्री के मसालों पर मिलावट के सबूत मिले हैं। चलो ले जाओ। अरे आपको कुछ को गलत है भी लगी है, क्या कर रहे हैं आप? अरे एक बार इंस्पेक्टर साहब सुनिए। इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? रुकिए इंस्पेक्टर साहब, बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? भाई ये मैनेजर का तीसरी बार फोन आ रहा है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, प्लीज पकड़ो मुझे। हेलो सर जी, हमारी फैक्ट्री में पुलिस की रेड पड़ गई है सर, पता नहीं कैसे इन फूड एडमिनिस्ट्रेशन वालों को हमारे मसालों में मिलावट का सबूत मिला है। व्हाट? पर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा क्वालिटी कंट्रोल तो टॉप नॉच है, सारे मसालों की पैकिंग से पहले उनकी अच्छे से जांच होती है, इट्स इम्पॉसिबल। तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ फैक्ट्री में थोड़ी देर। ओके ओके। आज का पूरा दिन ही खराब है यार। भाभी का कॉल आ रहा है। हेलो भाभी, बच्चे कैसे हैं आप प्लीज बताइए। दीपक बच्चे बेहतर हैं, पर यहाँ पर एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। पुलिस वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे फैक्ट्री में जो मसाले हैं ना उनमें कुछ मिलावट है और वो पापा जी को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। आप लोग कहाँ हो? इंस्पेक्टर साहब आप किस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? ढिल्लों मसाले अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, पिछले 25 सालों से 17 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने मसाले, और हमारे मसाले क्वालिटी चेकिंग, हर मसाले की डबल क्वालिटी चेकिंग होती है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है सर। आपको किसी ने जरूर गलत इन्फॉर्मेशन दी है इंस्पेक्टर साहब, फूड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रिपोर्ट आई है मुझे दिखाइए तो सही पहले प्लीज। आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को अरेस्ट कर सकते हैं? हाय 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 हाय
हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों को बीमार किया। अब पूछ रही हो हम कौन हैं? रिपोर्टर साहब, दे देखे जिला प्रभार की सच्चाई। आइए आपको लाइव दिखा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल से, जहां पर ढिल्लो परिवार के घर का खाना खाकर हुई आश्रम की बच्चियां बीमार। अजय, अजय, एक सेकंड छोड़। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो आप इन्हें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? अरेस्ट करो इसको भी।